नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीपीए 2019 के क्वेश्चन पेपर जो एग्रीकल्चर के हुए थे उनको इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। आपके कम्पिटेटिव एग्जाम की डिस्कोर से मार्क हुए, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे सर की तो यूपीपीए एंट्रेंस एग्जाम के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको सॉल्व कराइए। तो 2020 का जो है क्वेश्चन पेपर वन लाइनर रूप में कुछ टॉप 50 जो पूछे गए थे उनको सॉल्व कराया गया था, तो वो स्टूडेंटों के आधार पे जो बताए गए थे और वही जो प्रश्न पूछे गए थे उनको आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था। दो पार्ट में जो है वीडियो पढ़ा हुआ है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और 2019 का क्वेश्चन पेपर जो है इस वीडियो जो है हम एक ही पार्ट में जो है बना दे रहे हैं, क्योंकि 25 से 30 मिनट का जो है वीडियो लगभग बनेगा। दो पार्ट में बनाने पर 12 से 15 मिनट का बनता है, तो वहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाता है, एक ही पार्ट देख पाते हैं। तो यहाँ पे दोनों टोटल 50 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं यूपी बीएड में उनको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के डिस्कोर से महत्वपूर्ण हैं, ये पूछे जा सकते हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस लेवल का पूछा जाता है, कहाँ से पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न जो है यूपी बीएड में एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं। और एग्रीकल्चर ही आपका स्कोर करता है, काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि हिंदी जीके जो है वो सभी के लिए कंपलसरी है, सभी जो है उसमें स्कोर करते हैं। लेकिन जो है अगर आप अपने सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ से जो है आप पीछे हो जाते हैं। और एग्रीकल्चर टॉप 50 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, यहाँ से जो है आप 100 नंबर जो है ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखा देते हैं, नहीं कहेंगे कि सर तो ये जो है किसी लड़के ने जो है स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम के पास जो है भेजा था, उसने जो है अपने एडमिट कार्ड के पीछे जो है इस क्वेश्चनों को लिखा था। तो उसको हम लोगों ने कुछ ऑप्शन बना के जो है इसको टाइप किए हुए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले। तो ये जो है उसने जो है ये अपने एडमिट कार्ड के पीछे जो है क्वेश्चन 50 का 50 क्वेश्चन जो थे उसको लिख लिया था। कुछ आंसर जो है दिए थे, मतलब ऑप्शन जो है कुछ का लिखा था कुछ का नहीं लिखा था। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पूरा जो है कुछ जो ऑप्शन नहीं है उनको ऑप्शन के रूप में लिख के जो है टाइप करके जो है आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। तो ये जो है काफ़ी मेहनत करके, तो ये क्वेश्चन पेपर जो होता है एग्रीकल्चर का पेपर जो होता है वो सेकेंड मीटिंग होता है, इसलिए जो है उसने टाइम पाया। और क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का होता है तो काफ़ी टाइम मिलता है, तो उसने जो है पेपर सॉल्व करने के बाद जो है लिख लिया था। तो पेड बैच में पढ़ाया गया था, स्टडी वाले ग्रुप में जुड़ा हुआ था या बस एंट्रेंस के लिए, तो उसने जो है पेपर दिया था तो उसी ने लिख के भेजा था चैनल के पास जो है व्हाट्सएप नंबर पर। तो आज उसको हम लोगों ने हमारे पास था, लेकिन वो बहुत खोजबीन करने के बाद जो है ईमेल पे डाला गया था, वहाँ से मिला हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें, तो वहाँ से जो है आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से जो है PDF जो है इसका लिंक जो है हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, तो PDF भी ले सकते हैं। आंसर की जो है वीडियो का तैयार हो चुका है, तो चलिए हम लोग वीडियो को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला जो UPPED 2019 में पूछा गया था, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो रेटून स्टंटिंग वायरस, बी है कॉल्केटियम फॉल्केटम, और सी है रिविनिया कैरोटोवोरा, डी है फाइटोथोरा इन्फेस्टॉन। तो चार ऑप्शन दिए गए थे, इन चारों में से जो राइट आंसर था वो बी वाला ऑप्शन था, कॉल्केटियम फॉल्केटम जो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन का कारण जो है काजल आर्गनीम जो है पूछा गया था। बी वाला आंसर जो दिया गया है वो राइट आंसर है, और 2020 के एग्जाम में भी इसी से टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था, रेड रॉट ऑफ शुगर केन का नए काजल आर्गनीम का नाम क्या है, तो यो आपको बताया गया था 2020 के क्वेश्चन पेपर में। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे और इसका आंसर बताएंगे, रेड रॉट ऑफ शुगर केन का नया काजल आर्गनीम का क्या नाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक में जो राइट आंसर होगा बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, एमंग इंडिया स्टेट हाईएस्ट येल्डिंग राइस प्रोडक्शन, तो कौन सा प्रदेश जो है चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो 2019 आयोग के आंसर के अकॉर्डिंग भी जो था
राइट आंसर जो था वो ए वाला, वेस्ट बंगाल राइट आंसर माना गया था। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर दो में कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, हाई साल्ट टोलरेंट क्रॉप AL19 BAP CA पैडी ND वीट। तो ये सभी लोगों को मालूम है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो के लास्ट में जो है आपको इसका आंसर जो है वो बता दिया जाएगा। तो हाईएस्ट साल्ट टोलरेंट क्रॉप कौन सा हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेंटिन, पी, पैडी, वीट, ठीक है। तीसरा आंसर जो है सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी जितने भी लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, मोथा बिलोंग टू द फैमिली। ये भी जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चार था, तो वहाँ पे ये पूछा गया था मोथा किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये जो है चिनोपोडिएसी, बी है पोएसी, सी है साइप्रेसी, एंड डी है सोलोनेसी। तो सभी लोगों को मालूम है मोथा किस फैमिली से बिलोंग करेगा, साइप्रेसी फैमिली से बिलोंग करेगा। सी वाला आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मोथा बिलोंग किस फैमिली से करता है, साइप्रेसी फैमिली से। पोएसी फैमिली से कौन सा आपका ग्रास जो है वो बिलोंग करेगा, सोलेनेसी से। टोमेटो हो गया आपका, ब्रिंजल हो गया, ये जो है आपको याद रख रहे हैं सभी फैमिली। पोएसी से हो गया आपका, वीट हो गया, पैडी हो गया, तो साइप्रेसी से बिलोंग करता है मोथा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर चार में वो आपका सी वाला आंसर जो दिया गया था वो राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट आइडियोटाइप। ए है डॉक्टर नॉर्मन इबोलाग, बी है डोनाल्ड, सी है पीटर डी क्रिशन जी, एंड डी है डॉक्टर बीपी पाल। तो क्वेश्चन नंबर पाँच में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सभी लोगों को मालूम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट आइडियोटाइप। जिन्होंने भी अरुण का 10 फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ा होगा उनको मालूम होगा आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट जो है वो डोनाल्ड ने दिया था। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर फाइव में कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट आइडियोटाइप डोनाल्ड ने दिया था, किस सन में दिया था अगर आपको मालूम हो कमेंट करके बताइएगा। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ वर्गीज कुरियन जो है वाइट यानी मिल्क के हैं। और पीटर डी क्रिशन जी जो हैं किसके हैं, तो ये आपके एक्रोनॉमिक हो जाएंगे। और डॉक्टर बी पी पाल जो हैं ये फर्स्ट ICR के प्रेसिडेंट थे, तो डॉक्टर बी पी पाल, इन्हें फादर ऑफ रोज भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये सभी जो हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्लांट रूट आर। ए है निगेटिव फोटोपीरियोडिज, बी है पॉजिटिव फोटोपीरियोडिज, सी है ए एंड बी, एंड डी है नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो पूछा गया था, प्लांट रूट यानी पौधा जो है जड़ है वो नीचे जो जाता है वो कैसा है, निगेटिव फोटोपीरियोडिज मतलब निगेटिव प्रकाश प्रकाश पॉजिटिव प्रकाश मतलब प्रकाश की तरफ या प्रकाश के विपरीत। तो राइट आंसर जो होता है वो आपका निगेटिव फोटोपीरियोडिज वाला आंसर जो दिया गया था, ए वाला आंसर वो राइट आंसर था। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो है ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्रेंज साइकिल अकर्सिन। ए है क्लोरोप्लास्ट, बी है क्रोमोप्लास्ट, सी है माइटोकांड्रिया, एंड डी है गॉल्जीबॉडी। तो क्रेंज साइकिल जो है किसमें पाया जाता है, चार ऑप्शन दिए गए, सभी लोगों को मालूम होगा जिन्होंने भी अरुण का 10 वॉल्यूम ही पढ़ लिया होगा, साल किया होगा, वो लगभग लगभग UPPET के एंट्रेंस एग्जाम में जो है 50 में से लगभग लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर के पोर्शन को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन में सी वाला आंसर जो दिया गया आपका, माइटोकांड्रिया में क्रेंज साइकिल जो है वो किसमें दिखाई देता है, माइटोकांड्रिया में। तो राइट आंसर जो है सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, फ्लोरिजिन इज स्टूमुलेट हार्मोन फॉर। ए है फ्लावरिंग, बी है मैच्योरिटिंग, सी है कलरिंग, एंड डी है प्लांट ग्रोथ। तो फ्लोरिजिन जो है वो कैसा हार्मोन है, फ्लावरिंग, मैच्योरिंग, कलरिंग एंड प्लांट ग्रोथ। तो सभी लोगों को मालूम होगा फ्लोरिजिन जो है वो फ्लावरिंग हार्मोन है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर एट में जो है कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ए वाला आंसर, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आठ में जो राइट आंसर है ए है फ्लावरिंग, और ये भी जो है आपके 2019 के क्वेश्चन इस लेवल तक पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, सिफनिंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट आर फाउंड। ए है मस्क्यूटो, बी है हाउस फ्लाई, सी है बटरफ्लाई, एंड डी है हनीवी। तो सिफनिंग टाइप जो है माउथ पार्ट किसमें पाया जाता है, चार ऑप्शन दिए गए, मस्क्यूटो, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई और हनीवी।
राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर जो दिया गया है बटरफ्लाई, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा राइट आंसर होगा, सी वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गुरदासपुर बोरर इज एन इंसेक्ट पेस्ट, ए है पैडी, बी है व्हीट, सी है शुगर केन एंड डी है लेंटिन। तो गुरदासपुर बोरर सभी लोगों को मालूम है, गुरदासपुर बहुत ही फेमस इंसेक्ट है जो कि आपका किस क्रॉप में लगता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शुगर केन, सी वाला आंसर जो दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वी नॉच इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 14 में जो राइट आंसर होगा वो आपका 11 वाला, क्वेश्चन नंबर 11 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर। तो ये एक ऑप्शन हमने दिया था, काफ़ी तीन ऑप्शन और दिए गए थे वहाँ पे, लेकिन एक ही ऑप्शन जो राइट आंसर है वो हमने इसमें शामिल कर लिया है। तो वी नॉच इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर, तो जल की बहाव को नापने के लिए जो है वी नॉच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वाटर हार्वेस्टिंग इज, ये सभी जो है आपको अरुण का अध्ययन फर्स्ट वॉल्यूम में मिल जाएगा, सभी सभी क्वेश्चन जो है। तो अरुण का अध्ययन का प्ले लिस्ट जो है स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम के चैनल पे पड़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वहाँ से वीडियो को देख लें, तो वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा। तो वी नॉच इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्शन ऑफ वाटर, तो रेनफॉल जो होता है बरसात होती है तो उसमें जो बारिश की पानी होती है उनको कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है वाटर, तो उसे ही वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है 12 में ए वाला आंसर जो है वो राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1 HP इज इक्वल टू, राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 13 में, 674 वाट्स, बी है 764 वाट, सी है 746 वाट, एन डी है सॉरी डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है 776 वाट। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 1 HP इक्वल टू, HP का फुल फॉर्म कौन सा क्या होगा, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर 1 HP कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो राइट आंसर है वो आपका सी वाला आंसर जो दिया गया है 746 वाट वाला, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट ओनली, ए है बैक क्रॉस, बी है टेस्ट क्रॉस, सी है डबल क्रॉस, सी है थ्री वे क्रॉस। तो व्हेन द F1 इंडिविजुअल क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट ओनली इज द टेस्ट क्रॉस, तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट है कि नहीं ये आपको बताना है। हमारे अकॉर्डिंग जो है टेस्ट क्रॉस है, तो क्या ये जो हम बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है यस या नो। तो व्हेन द F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट ओनली इज, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस हम बता रहे हैं, तो ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि गलत है, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है। कितने लोग कमेंट करके बताते हैं उनका अब यहाँ से पता चलेगा कि वो सही बता रहे हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी, ए है इथाइल टू मिथाइल सल्फोन, बी है मिथेन, सी है कोल्चीन एंड डी है नाइट्रस एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो राइट आंसर होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी, तो पॉलीप्लॉइडी में जो है कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा हमारा फीडबैच भी जिन्होंने पढ़ा है या जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का प्लेलिस्ट जो है स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर चैनल का देखा होगा, वहाँ पे बताया गया है कोल्चिन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखने में हुआ है, कोल्चिन, कोल्चिन जो है केमिकल जो है पॉलीप्लॉइडी में इंड्यूस रूप में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 में सी वाला आंसर जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 है, आम्रपाली इज ए वैरायटी ऑफ गुआवा एप्पल मैंगो रोज, सभी लोगों को मालूम है मैंगो की वैरायटी है आम्रपाली, आम्रपाली किसके क्रॉस से बना हुआ है, ये भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं।
तो आम्रपाली किसकी वैरायटी थी? मैंगो की। राइट आंसर जो है 16 में सी वाला आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मोनोकार्पिक फ्लावर किस में पाया जाता है? मैंगो में, अगाओ बी सी है अमरंथस, एन डी है मलबेरी। तो ये सभी लोगों को मालूम है, यशियन गुप्ता की हॉर्टिकल्चर की बुक देखे होंगे, तो तीसरे चौथे पेज पे ही ये आप क्वेश्चन जो है दिया गया है। इसका आंसर आप सभी लोगों को अगर आ रहा है तो कमेंट करके, या हियर के जो है आपको कमेंट करके बताना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मोनोकार्पिक फ्लावर जो है वो किस में पाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, डबल पर्पस ब्रीड काऊ। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? साहिवाल, बी है सिंधी, सी है अंगोला, एन डी है देवनी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो दिए गए वो मिसमैच हैं, ये सभी जो हैं वो रॉन्ग ऑप्शन दिए गए हैं। तो डबल पर्पस काऊ की ब्रीड जो होती है वो कौन कौन सी होती है? सभी लोगों को मालूम होगा, हरियाणा हो जाएगा, थार पारकर। तो ऑप्शन जो दिया गया था हरियाणा ऑप्शन में दिया गया था, और हरियाणा वाला जो राइट आंसर था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हरियाणा हो जाएगा, या थार पारकर दिया था तो थार पारकर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो राइट आंसर होगा वो इन चारों में से राइट आंसर नहीं है, हरियाणा और थार पारकर, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्लांट पैथोलॉजी फादर ऑफ एंटोन डी बेरे, इजे बटलर, कुहने, पॉस्चर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? प्लांट पैथोलॉजी फादर। तो एंटोन डी वीरे को जो है प्लांट पैथोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 19 में ए। यहीं पे प्लांट पैथोलॉजी फादर ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इजे बटलर जो है वो हो जाएंगे। तो राइट आंसर, तो यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी फादर पूछा गया, इसलिए एंटोन डी वीरे वाला ऑप्शन जो था वो राइट आंसर था। लेकिन फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इंडिया की पूछा जाए तो इजे बटलर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कुहने ने किसकी खोज की थी और पाश्चर ने किसके खोज की थी, ये आपको दोनों का कमेंट करके बताना है आंसर आ रहा हो अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, बीटी कैबेज इज डेवलप्ड अगेंस्ट विच पेस्ट? ए कैबेज बोरर, बी है डीबीएम, यानी डीबीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? डायमंड बैक मॉथ। राइट सी है पेंटेड बग, सी है कटवर्म। तो बीटी कैबेज डेवलप अगेंस्ट विच पेस्ट? राइट आंसर जो है बी वाला आंसर जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायमंड बैक मॉथ, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आंसर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, येलो कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल रिच। तो येलो कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है किसके कारण होता है? ए है विटामिन बी, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन सी, एन डी है विटामिन डी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में? बी वाला आंसर जो दिया गया विटामिन ए के कारण जो है येलो कलर यानी कैरोटीन जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट में होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 21 में बी वाला आंसर जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द इजिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट, ए एंडोस्पर्म, बी है मीजोकार्प, सी है सकुलेंट प्लेसेंटा, एन डी है जूसी सीड कोट। तो पोमग्रेनेट में इजबल पार्ट क्या खाया जाता है? क्या खाया जाता है? तो जूसी सीड कोट वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका डी वाला आंसर वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी वाला आंसर जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टेटू पार्थेनोकार्पी इज फाउंड, ए है ग्रेप्स, बी है बनाना, सी है फिग, एन डी है सीडलेस गुआवा। तो वेस्टेटू पार्थेनोकार्पी जो है किसमें पाया जाता है, ये भी आप इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे बताया गया है बनाना। तो बनाना जो है वेस्टेटू पार्थेनोकार्पी होता है। तो बनाना में क्या किसका प्रयोग किया जाता है? वेस्टेटू का प्लांटेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 में वो आपका बी वाला आंसर जो दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग केक्स हैज ए नाइट्रोजन हाईएस्ट? ए ग्राउंड नट, बी ए केस्टर, सी ए कोकोनट, एन डी है नीम। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए वाला आंसर जो दिया गया आपका ग्राउंड नट में जो है नाइट्रोजन हाईएस्ट मात्रा में होता है, 7.2% से लेके जो है 8% के बीच तक जो है नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है ग्राउंड नट में पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा हो जाएगा? ए वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 है, गोल्डन राइस इज रिच सोर्स ऑफ,
गोल्डन राइस जो है किसका सोर्स है, विटामिन ए का। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर ए वाला, बी वाला ऑप्शन जो दिए गए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन राइस की खोज जो है किसने की थी, गोल्डन राइस जो है किसने बनाया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो गोल्डन राइस रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए कैरोटीन के कारण जो है इसे गोल्डन कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 25 में बी वाला आंसर जो दिया गया है विटामिन ए वाला, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किसान भारती इज पब्लिश फ्रॉम न्यू दिल्ली, बी है मुंबई, सी है चेन्नई, एन डी है पटना और डी है पटना और ई वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं पंतनगर। इन चारों में पांचों में से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। किसान भारती की बात करा यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसान भारती, कृषक भारती नहीं पूछा जा रहा है। कृषक भारती कहाँ से पब्लिश होता है और किसान भारती कहाँ से पब्लिश होता है, दोनों को आपको कमेंट करके आंसर जो है वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर टेबल एएलआईसी मीटर, ओडोमीटर, पिजोमीटर, इरेपोमीटर। तो राइट आंसर जो है ए वाला आंसर जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ट्रिटकेल इज व्हीट इंटू राई, व्हीट इंटू सीसमम, पैडी इंटू राई। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपका ए वाला आंसर जो दिया गया है, ट्रिटकेल व्हीट इंटू राई का क्रॉस से बना हुआ है। तो ये फर्स्ट सीरियल क्रॉप वो है जो कि क्रॉस करके बनाया गया है, तो व्हीट इंटू राई के क्रॉस से जो है बना है। और व्हीट इंटू राई का रेशियो जो है 9:1 का रखा जाता है, यदि हम मिक्स क्रॉप के रूप में प्रयोग ग्रो कर रहे हैं व्हीट क्रॉप में, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29 है। माउथ पार्ट ऑफ हनी बी द चीविंग एंड लेफ इन टाइप। द राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सा हो जाएगा, ए वाला। तो कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहे थे इसलिए ऑप्शन एक दे दिया गया है, जल्दी आप लोगों को पेपर सॉल्व कराने के चक्कर में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ए वाला, चीविंग एंड लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30। तो वहाँ पे बी वाला आंसर जो दिया गया था सीड वायबिलिटी टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सभी लोगों को मालूम है, ये भी आपके अध्ययन में ही मिल जाएगा। सीड वायबिलिटी टेस्ट के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट जो है यूज किया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर जो दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है ब्लांचिंग ऑफ फ्रूट टेम्परेचर, ए है 50 अंश सेंटीग्रेड, बी है 100 अंश सेंटीग्रेड, सी है 0 अंश सेंटीग्रेड, एंड डी है 25 अंश सेंटीग्रेड। तो ब्लांचिंग ऑफ फ्रूट टेम्परेचर जो है वो 100 अंश सेंटीग्रेड होता है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पिंक बाल वर्म पेस्ट ऑफ टोमेटो, बी है मेज, सी है कॉटन, एंड डी है एप्पल। सभी लोगों को मालूम है पिंक बालवन जो है किसका पेस्ट है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 32 में राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला आंसर, कार्टन वाला आंसर जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वैरायटी ऑफ पॉपुलर, पॉपुलर जो है उसकी वैरायटी कौन सी इसमें से दी गई है, G1, G48, 114, डी वाला ऑप्शन जो है K25। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 33 में जो राइट आंसर होगा वो आपका बी वाला आंसर जो दिया गया है G48 वाला, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो वैरायटी ऑफ पॉपुलर जो है G48 जो दिया गया है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। टू एन व्हीट ब्रीड, तो राइट आंसर जो है डी वाला आंसर हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ मेज पोटैटो टोबैको, तो मेज पोटैटो टोबैको की क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो कितनी होती है, चार ऑप्शन दिए गए हैं 250, 150, 100, 300। तो राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, 300 वाला, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है कैसे निकाला जाता है, कितने क्रॉप ग्रो किए जाते हैं कितने साल में, और 100 से भाग दे दिया जाता है। तो 100 × 3 क्रॉप अपॉन 1, तो यहाँ पे जो है 300 हो जाएगा, और 1 से भाग देने के बाद जो है आपका 300 जो है होगा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 35 में डी वाला आंसर जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सल्फर कोटेड, यहाँ पे कंटेंट लिख उठा है, सल्फर कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंट जो है वो कितनी पाई जाती है, 21%, 26%, 33%, 40%,
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। 33 से 40% के बीच जो है सल्फर कोटेड यूरिया में जो है नाइट्रोजन की परसेंट मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज इन, तो ऑक्सीजन जो है वो सिंथेसाइज कहाँ पे होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 37 में कहाँ पे होगा, टिप ऑफ द स्टेम। तो राइट आंसर जो है टिप ऑफ द स्टेम। तो ऑक्सीजन सिंथेसाइज जो है वहाँ पे होता है यानी अमीनो एसिड, ये जो है हो जाएगा ऑक्सीजन सिंथेसाइज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो टिप ऑफ द सूट या स्टेम, ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 38, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट इज सेमी परमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, रूट नोड्यूल्स, तो रूट नोड्यूल्स जो है वो किसमें पाया जाता है, ग्राम में पाया जाता है। चारों आसन देख रहे हैं ये सभी सीरियल्स ग्राम है, ये जो है पल्स क्राप है, तो पल्स क्राप में ही रूट नोड्यूल्स जो है वो पाया जाता है। तो ग्राम जो है वहाँ पे रूट नोड्यूल्स पाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर जो दिए गए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, 3 प्राइमरी सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट NPK हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, एन एपोजाइम इज ए एन, तो एपोजाइम एंजाइम जो है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड होता है, विटामिन होता है, लिपिड्स होता है, क्या होता है, इन चारों में से क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं, तो बता दिया जा रहा है लिपिड, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन और प्रोटीन दिया ही गया है। तीन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, एन एपोजाइम इज एन प्रोटीन। राइट आंसर क्या होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 में कौन सा आंसर, सी वाला दिया गया जो। क्वेश्चन नंबर 42 है, द गैस विच इमाइट्स फ्रॉम द राइस फील्ड, द राइस के फील्ड में जो है कौन सी गैस मिलती है, ये भी आपको मालूम होगा, मीथेन गैस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 वाला में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन गैस। याद रखिएगा ये सभी जो है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपी बीएड का जो है क्वेश्चन पेपर कहीं पे मिलता नहीं है, और ऑनलाइन अगर आंसर की भी आ रहा है तो आपको पेपर नहीं मिलता, दिखाई नहीं देता, सिर्फ आंसर की के अकॉर्डिंग आपको वो अपना मार्कशीट जो है वो मिलाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर, मिथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 43, यूपी क्रॉप प्रोड्यूस, तो उत्तर प्रदेश क्रॉप प्रोड्यूस में कौन से किस क्रॉप के प्रोड्यूशन प्रोडक्शन जो है लीडिंग है। चार ऑप्शन दिए गए, व्हीट पोटैटो ग्राम, व्हीट पोटैटो शुगर केन, कॉटन पोटैटो शुगर केन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर जो दिया गया है, व्हीट पोटैटो शुगर केन एंड मिल्क, कभी कभी मिल्क भी दे दिया जाता है, ये सभी जो है याद रखना है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 43 में बी वाला आंसर जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, पासुला ला इज रिलेटेड टू वाटर मूवमेंट, सॉयल मॉइस्चर कंटेंट, इवेपोरेशन, डी ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्वेश्चन नंबर 46 में राइट आंसर जो है वो आपका बी वाला आंसर जो दिया गया है, सॉरी 44 वाला आंसर, 44 में ए वाला ऑप्शन जो है वाटर मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, पल्सेशन थ्योरी वाज गिवन बाय जेसी बोस। राइट आंसर दिया ही है, एक ही ऑप्शन दिया है जो राइट है उसको हमने शामिल किया हुआ है। तो पल्सेशन थ्योरी किसने दिया था, जेसी बोस ने दिया था, ये आपको याद रखना है, कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है यूपी बीएड 2019 के एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्यूरिनिंग्स वेस आर स्ट्रक्चर बाय ए सिंगल रिंग, बी ए डबल रिंग, सी ए थ्री रिंग्स एंड ए फोर रिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 46 में जो राइट आंसर है वो आपका बी वाला आंसर जो दिया गया है, डबल रिंग्स वाला, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला आंसर जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, बीटी क्रॉप इज ए जेंटली वेरिएशन, बी ए जेंटली मॉडिफाई, सी ए वायरस फ्री एंड डी ए नॉन ऑफ दीज। तो बीटी क्रॉप जो है वो जेंटली मॉडिफाई है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 47 में बी वाला आंसर जो दिया गया है आपका,
वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 में कौन सा आंसर राइट होगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ए कैरेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैरेट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? फ्लावर का, फ्रूट का, टैप रूट का, कॉर्न का। तो राइट आंसर क्या होगा? टैप रूट। सी वाला आंसर जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैरेट एग्जाम्पल किसका है? टैप रूट का। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 48 में कौन सा होगा? सी वाला आंसर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन आर फाउंड इन इंडिया? 2, 1, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 49 में जो राइट आंसर है, तो क्रॉपिंग सीजन फाउंड इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन जो है वो पाया जाता है। तो राइट आंसर जो है 49 में सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पेगिंग कॉमन प्रैक्टिस, पेगिंग कॉमन प्रैक्टिस किसने किया था? कॉटन में, टोबैको में, ग्राउंडनट में, पैडी में। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में? डी वाला, सी वाला आंसर जो दिया गया आपका वो राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी वाला आंसर जो दिया गया आपका ग्राउंडनट वाला। तो ग्राउंड नट में ही पेगिंग की कॉमन प्रैक्टिसेज जो है वो किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये जो है UPBA 2019 के क्वेश्चन पेपर थे, जो कि स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको। तो जी दोनों चैनल जो है, परीक्षा चिंतन और स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो वो वीडियो देखते रहिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो देख प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च किए जा रहे हैं, जल्द ही मिल जाएंगे, तो आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखते लिए हैं।